सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर सुनकर पूरा देश जहां एक तरफ सन्न है, वहीं बिहार में जैसे मातम पसरा हुआ है। आज भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा। साथ ही साथ भोजपुरी के कई बड़े कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके पिता का ढाढ़स भी बढ़ा रहे हैं। आज इसी क्रम में उनके घर पहुंचे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा के बाद अब उनके घर पहुंचे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। कहा जा रहा है कि पवन सिंह सुशांत सिंह राजपूत के पिता के साथ बैठकर काफ़ी देर तक बातें की, हर एक बातों को जाना, और फिर उन्होंने ये दिलासा दी है कि बिहार एकजुट रहेगा सुशांत को न्याय दिलाने में। यहाँ पर पवन सिंह ने ये भी कहा कि जिस तरह की मदद हो सकेगी वो हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें खेसारी लाल यादव ने भी कही थी कि बिहार को अब एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार का एक टैलेंटेड आदमी, एक टैलेंटेड स्टार को बॉलीवुड के रणनीति के तहत ही उसे ऐसे कदम उठाने पड़े। और ऐसी ही कुछ बातें मनोज तिवारी भी आज उनके पिता से मिलकर कह चुके हैं। मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार को लेटर लिखेंगे और इस पे सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है जिस तरह से परिवार सब कुछ बता रहा है उसके हिसाब से ये नहीं लग रहा है कि ये एक आत्महत्या है। ये सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ है, अभी तो फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है, अगर कुछ गलत हुआ है तो पूरा बिहार एकजुट हो जाएगा और बिहार के लाल को न्याय ज़रूर दिलाएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।